बैंगलोर से भोगने का हम चाय पीने के लिए आए। Hi everyone, today we're taking a small trip to Hoganekal Waterfalls, which is from Bangalore. It is 120 km. That's the shortest route which we are taking right now. There's another route from Krishnagiri to Dharmapuri and then Hoganekal, which is 180 km from Bangalore. We are avoiding that because that's the longest route. Sabre barish bahut hua tha. This is rainy season and I'm thinking that कि वहाँ का मौसम अच्छा हो आज और तो वाटरफॉल शुड बी इन अ फुल फ्लेज कि मतलब देख के मजा आ जाए बस। आई होप कि बारिश नहीं हो, मौसम इज वेरी क्लियर, आई डोंट थिंक इट विल रेन देयर। डिसाइड दिस टुडे इज द बर्थडे ऑफ पूजा, सो शी लाइक्स राइड्स, आई एम गिविंग हर अ बर्थडे गिफ्ट बाय टेकिंग अ राइड टू होगनेकाल वाटरफॉल्स। After a long journey, we reached Hoganekal. So, ये छोटा सा market है, छोटा सा बाजार टाइप का जहाँ पर आप you can buy snacks and drinks. कुल्फी लगा हुआ है यहाँ पर और कुछ टेडी बियर्स हैं, क्लोथ्स भी हैं क्योंकि वहाँ पर वाटरफॉल है तो आप नहा सकते हो, तो उसके लिए कपड़े हैं। और ये रास्ता छोटा सा गली होकर हमें वाटरफॉल तक लेकर जाएगा। पानी 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 पानी
ज़्यादा और आने का कोई फ़ायदा नहीं दिया क्योंकि पानी बहुत जोर का है। तो ये हालत है का भी प्लान था यहाँ पर होने का, मैं आकर एंजॉय करने का नहीं हो पाया। सोच रहे हैं नदी की तरफ चलते हैं, कुछ फ़ोटो वोटो वहाँ पर लेते हैं और पैसा भी 5 बज गए हैं। तो हो गया होने का ट्रिप, मतलब कुछ खास नहीं, जो हुआ एक्सेप्ट कर लिया। वहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है, आलू बोंडा है क्या? नहीं है, अंडा। अच्छा अंडा है क्या? अंकल वड़ा कितना का है ये? और वड़ा एवला लिखा करा है एवला 5 रुपए 4 4 4 4 एक फोटा नहीं नहीं सर, यहाँ तो मंदिर है ना सामने से। ओके सर, एक चाय दे दीजिए। तो बैंगलोर से भोगने का हम चाय भी निकले आए। फर्स्ट टाइम आए थे तो काफ़ी रात हो गया था, 6:30-7 बज चुका था ऑलमोस्ट। और आज बाढ़ आया हुआ है यहाँ पर, बाढ़ समझते हो? आज भी वेस्ट है, एक और दिन हमें प्लान करना पड़ेगा। एंड दिस टाइम विल कम इन द मॉर्निंग टाइम, लाइक 9-10 o'clock आएंगे तो कुछ हो सकता है। बारिश नहीं, नहीं नहीं, बारिश के महीने ख़त्म होने के बाद ही यहाँ पर हम पाँव रखेंगे, अभी और नहीं। ये अंकल हैं जिन्होंने अभी चाय बनाया, चाय मज़ेदार है। ये सारे नाव खामोश है अभी क्योंकि पानी बहुत जोर का है। इतना दूर से आने का कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिया क्योंकि वाटरफॉल नहीं देख पाए। पानी इतना ऊपर आ गया है कि हम वहाँ पर जा नहीं सकते। लाओ निकल रहे हैं हम, गो टू दिस नदी के सामने जाएंगे तो पीछे उठाएंगे। अभी हम होगने काल से निकल रहे हैं। पानी को करीब से देखेंगे और यहाँ से निकलेंगे। भाई लोग पानी यहाँ पर बहुत स्लो में है तो बाढ़ आया हुआ है, दिखाते हैं यहाँ पर आपको बाढ़ जरा सा। देखो पानी पूरा ऊपर ऊपर तक है, इतना फ्लो में पानी है ना कि कुछ नहीं कर पाए। यहाँ पर पुलिस का जीप वहाँ पर है, वहाँ पर पुलिस है, यहाँ पर भी
पुलिस सर खड़े हुए हैं और बहुत स्ट्रिक्ट है, यहाँ पर पानी के करीब जाना मना है, काफ़ी ऊपर तक पानी है, इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पानी कितना ऊपर तक है। तो भाई लोग शाम होने को आ गया है, अभी हमें यहाँ से निकलना है क्योंकि हमें 40-50 किलोमीटर हम जंगलों के अंदर से जाने वाले हैं, रास्ता काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है और काफ़ी अंधेरा भी हो चुका है। अब गाइस आज के लिए इतना ही, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड आई होप यू गाइस वुड एंजॉय दिस और नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। सो गाइस इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।